पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जहां एक इतिहास रचा है तो वहीं कई सारे रिकॉर्ड भी बने हैं और कई सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। हमारे साथ अजीत पाल कोहली मौजूद हैं, जो पटियाला से विधायक चुनकर आए हैं। पटियाला का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, पटियाला शहर दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनको महाराजा कहा जाता है, उनके नाम से मशहूर है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह को हराकर आए हैं अजीत पाल कोहली। कोहली साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने चुनाव लड़ना ही कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि मधुमक्खी के छत्ते में तो हाथ नहीं दे दिया? नहीं सर, कोई ऐसी बात नहीं थी, बिल्कुल भी ऐसा एक बार भी मन में ऐसा ख्याल नहीं आया। हमारी फैमिली पहले भी उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ चुकी है, मगर यस, ये जरूर था कि इट वॉज अ वेरी हार्ड फॉट बैटल। बहुत एक एक्सपीरियंस्ड, एक दिग्गज, एक लार्जर देन लाइफ इमेज था उनका, और पटियाला में बहुत वाइस लाइक ग्रिप था उनका, पिछले 20 साल से जीतते आ रहे थे। मगर ये कभी घबराए नहीं हम ये बात सोच के, जब एक बार मैदान में उतर ही गए तो फिर ओपोनेंट कोई भी हो। लेकिन जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में सोचते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई वो महाराजा हैं, उनका शहर है, शहर के लोग सिर्फ इसलिए वोट दे देते हैं क्योंकि वो पटियाला का शाही परिवार है। सर, यही तो एक गलत जो है परसेप्शन बन चुकी थी। महाराजा साहब को भी ऐसे लगता था कि पटियाला शहर तो उनकी खुद की जद्दी जायदाद है। ऐसे नहीं होता सर, जो सीएम बनता है तो वो लोग सीएम बनाते हैं, सीएम अपने आप नहीं बन जाते, लोगों लोग चुनते हैं, लोग उस पोजीशन पे बैठाते हैं। लोग जब आपको वोट डालते हैं तो वो हर एक वोट जो है वो एक उम्मीद है होती है, एक आस होती है, एक ख्वाहिश होती है वोटर की। अगर आप उन उम्मीद, ख्वाहिश और आस के ऊपर नहीं खरा उतरेंगे तो फिर लोग ऐसे पटक के भी मार देते हैं। पंजाबी में कट्टा कहते हैं और हिंदी में कहूं कटड़ा, भैंस का जो बच्चा होता है, वो आपने दान करवा दिया कैप्टन साहब। सर, मैं आपको आज एक बात बताता हूँ। जिस दिन ये काम हुआ, मेरे फादर साहब ने, उन्होंने मेरे को बुलाया और पेपर दिखाया सुबह सुबह, कहते ये देख। और मैंने बोला भाई ये कट्टा दान किया हुआ है, यानी बस तू जीत गया। क्या मैं समझा नहीं, कट्टा दान का और मेरे जीतने का क्या रिलेशन? उनका मतलब है कि वो घबरा चुके हैं, वो जीत नहीं रहे, इसलिए वो टोने टोट के पर उतर। यस, और यही बात थी। इस बारी कैप्टन साहब ने थ्रू आउट अपनी कंपेन बड़ी नर्वसनेस दिखाई है। उन्होंने अमित शाह जी को पटियाला बुलाया, उन्होंने गजेंद्र शेखावत जी को अपनी कंपेन में लगाया, उन्होंने राजनाथ सिंह के लिए के साथ रोड शो किया। सो दीज वर साइंस ऑफ वीकनेस, और हम इसी चीज के ऊपर बैंक कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अब जो है कैप्टन ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। तो अब ऊंट तो पहाड़ के नीचे आ गया, लेकिन आप भी पहाड़ के नीचे हैं क्योंकि आपको काम करके दिखाने होंगे पटियाला के। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, एक बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज है मेरी लाइफ का, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे मैं बोल के हटाऊ ना जी आपको, एक एक वोट एक उम्मीद और एक ख्वाहिश है। कल अगर हम उम्मीद ख्वाहिश पे खरा ना उतरेंगे तो हमारा भी हाल ऐसा ही होगा। और मेरा तो आज मेरे को एक पूरा निश्चित रूप में मेरे को एक विश्वास है, एक पूरा दृढ़ मेरे मन में एक यू नो एक बिलीफ है कि जो केजरीवाल साहब ने दिल्ली में करके दिखाया है वो अगर पंजाब में हम रेप्लीकेट करेंगे तो ये नौबत ही नहीं आएगी। लोग जैसे दिल्ली में केजरीवाल साहब को 67 सीट्स मिली थी, नेक्स्ट इलेक्शन में 63 सीट्स मिली थी, बड़े बड़े मैंडेट से जीते हैं, वैसे भी हम पंजाब में उसी शिद्दत के साथ, उसी जज्बे के साथ, उस ईमानदारी लगन के साथ काम करेंगे और भगवंत मान जी को अगली बार भी जो है मुख्यमंत्री ही बनाएंगे। तो ये हैं अजीत पाल कोहली, जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हराकर विधानसभा में एंट्री की है और अब कह रहे हैं कि उन्हें असली चैलेंज है कि काम करके दिखाना है। कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ सतेंद्र चौहान, मोहाली, आज तक।